नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। आज मेरठ के पुलिस कप्तान के सामने समाजवादी पार्टी की महिला नेता शशि राणा ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 4 दिन पूर्व किसी अज्ञात ने उनकी फेसबुक आईडी हैक कर ली है, जिसमें अश्लील पोस्ट डाली गई है, जिसकी शिकायत पल्लवपुरम थाने में शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके चलते आज SSP के सामने अपनी शिकायत दी गई है। शशि राणा का कहना है कि विपक्ष के लोगों की उत्तर प्रदेश पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी। मेरी आईडी हैक करी गई है, आज 4 दिन हो गए हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। हमने पल्लवपुरम थाने में भी हमने रिपोर्ट करी है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई भाजपा का नेता होता, कोई होता, तो अभी 1 घंटे में आईडी बंद हो जाती। विपक्ष की कोई भी सुनवाई नहीं है, अधिकारी सुन नहीं रहे। सत्ता तो आती जाती रहती है, ऐसी बात नहीं है। सरकार हमारी भी आएगी तो परिवर्तन का नियम है, लेकिन सुनना चाहिए अधिकारियों को। जो हम जैसे नेताओं की सुनवाई नहीं है तो आम जनता की कैसे सुनवाई होगी। SSP साहब ने क्या कहा आपसे? SSP साहब ने कहा है करते हैं जल्दी से जल्दी, उन्होंने कहा है। अब देखो क्या होता, ये तो दिया ही है, अब वो तो बाद में पता लगेगा क्या हुआ क्या होगा। बस ये जल्दी से जल्दी बंद होनी चाहिए आईडी।